Hello everybody, welcome back to the Sunday Pundit channel. We are back with another video regarding talking transfers. So this video is going to be probably a series. It's going to depend on feedback from you guys. So this video mein hum Barcelona se start karenge and Barcelona ke transfers discuss karenge. Basically in players ko jana chahiye, in players ko aana chahiye and basically abhi jo naya president aaya hai Laporta, unko kya karna chahiye regarding the transfer policy to make Barcelona challenge for the better trophies again. So what is going to happen in this video कि मैं होस्ट करूंगा बिकॉज उत्कर्ष और सिद्धेश भाई हमारे साथ हैं. सिद्धेश भाई रन सपार साहब एज यू कैन सी एंड इनका चैनल अभी ही हैज स्टार्टेड वेरी रिसेंटली एंड काफी जल्दी इनका पिकअप किया चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ बार्सा फैंस आर फाइंडिंग हिज कंटेंट ग्रेट एंड वी एज यू नो स्पेक्टेटर्स ऑफ हिज चैनल हैव आल्सो फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सिद्धेश भाई काफी रिसर्च करते हैं एंड हिज वीडियोस आर इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एंटरटेनिंग. सो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, हम एक लिंक छोड़ेंगे आपको चैनल में अपने डिस्क्रिप्शन में. सो फॉर जस्ट बिफोर वी स्टार्ट आई विल बी होस्टिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं बार्सा फैन नहीं हूं एंड उत्कर्ष और सिद्धेश भाई हैं. तो आई विल जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस कौन कौन इनके हिसाब से ट्रांसफर्स के बारे में क्या करना चाहिए एंड देयर ओपिनियन ऑन द प्लेयर्स विच आर बीइंग लिंक्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं अगर स्टार्ट करूं डिफेंस से विल स्टार्ट विद द आउटगोइंग फर्स्ट. तो ये दोनों उत्कर्ष और सिद्धेश भाई से, सिद्धेश भाई आप पहले आंसर कर दें कि डिफेंस में आपको क्या लगता है किन प्लेयर्स को बार्सिलोना को बेचना चाहिए. हाँ तो यार हमारी डिफेंस का ऐसा है कि बहुत फालतू प्लेयर्स को भर के रखा है, मतलब फालतू इन द सेंस क्वालिटी में नहीं फालतू है लोग बट फालतू में भर के रखा है उन लोगों को. और सबसे पहला जो नाम आता है वो है नेटो का. नेटो इस सीजन भी ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला उसको, लास्ट सीजन भी ज्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा था. प्लस हमारे पास लामासिया में अर्नाउ टेनास है, इनियाकी पेनिया है, तो नेटो का कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है. उसकी एज भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. टेर स्टेगन तो है ही, बॉल बन के खड़ा हुआ है वहां पे, तो नेटो की कोई अभी जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले तो नेटो को ही वो सेल करना चाहिए. और दूसरा है जूनियर फर्को. जूनियर फर्को अभी तक कोई, मतलब जितना अच्छा फॉर्म उसका बेटिस में दिख रहा था उतना अच्छा फॉर्म अभी तक उसका दिखा नहीं है, इसलिए उसको भी लेट गो करना अच्छा रहेगा. हालांकि रिसेंट फॉर्म उसका अच्छा है, पीएसजी के अगेंस्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था उसने, अच्छा खेल रहा है. बट वही है कि जब हमारे पास बाल्डे है, जब हमारे पास होजे गाया आ सकता है, जब हमारे पास ग्रिमाल्डो आ सकता है और जब अलावा भी शायद हम ले सकते हैं, तो इतने ज्यादा प्लेयर्स को डिफेंस में रखना जबकि मैक्सिमम हम चार या पांच ही प्लेयर्स को खिला सकते हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं. और भी अगर नेक्स्ट प्लेयर पे जाऊं तो वो उमटीटी हो गया, लॉन्गले हो गया, इन दोनों को भी यार रिलीज मतलब इन दोनों को भी बेचना ही पड़ेगा बेसिकली. क्योंकि वही है यार कि हमारे पास बहुत सारे सेंटर बैक्स हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन. अराउहो कम्प्लीटली फिट है, बहुत अच्छे शेप में चल रहा है अभी, वो वापस आ रहा है, नेक्स्ट गेम में वापस आ जाएगा. मिनगेजा काफी अच्छा खेल रहा है अभी, पीके भी ठीक ठाक खेलने लग गया है, पीके अच्छा खेल रहा है. और एरिक गार्सिया आने वाला है नेक्स्ट सीजन, तो वही है इन दोनों से जितने भी पैसे मिल जाए यार, दोनों को मिला के 30-40 मिलियन जो मिल जाए, जितना देना है दे दो यार, दे दो कुछ तो दे दो, बस वो है. और अगर मिडफील्ड में जाए तो कार्लेस एलेनिया 2 साल से लोन में जा रहा है वो कंटिन्यूअसली, और उसका भी कोई फ्यूचर मेरे को दिख नहीं रहा है. ग्रेट टैलेंट, लामासिया कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, सबको पता है अच्छा टैलेंट है, बस उसके लिए अभी जगह नहीं है. फ्रेंकी डी होंगे हमारे पास, पेड्री है, पूज है, इलाश मुरीवा भी अभी रिसेंटली आ गया है, बुस्केट्स भी ठीक ठाक खेल ही रहा है अभी, और बुस्केट्स को हम बेचेंगे नहीं, इज अ क्लब लेजेंड, उसको हम लोग नहीं बेचने वाले. तो इसलिए एलेनिया को बेचना पड़ेगा. मिडफील्ड से सर्जियो रॉबर्टो को जाना पड़ेगा, 29 साल का हो गया है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. इतने एजेड प्लेयर के अराउंड हम लोग टीम बिल्ड नहीं कर सकते. और मिडफील्ड्स या और अटैकिंग में धीरे धीरे चलते हैं तो फिलिपे कुटिनियो एकदम ऑब्वियस नाम है, सबको पता है, वही एक ऐसा मोहरा है जिससे हम लोग थोड़ी सी मनी हम लोग गेन कर सकते हैं. और भी अगर अटैकिंग एरिया में जाएं हम लोग तो हम लोग को ब्रैथवेट यार, क्योंकि ब्रैथवेट का ऐसा ना कि यार अगर अर्लिंग हालैंड ही नहीं, कोई भी प्रॉपर नंबर 9 लाए हम लोग, तो तभी हम लोग को ब्रैथवेट को सेल करना चाहिए. क्योंकि ब्रैथवेट यार सभी को पता होगा कि कुछ कुछ इंस्टेंसेस में अचानक से चमक जाता है वो, ठीक है. वो अगर वो एक्चुअल स्टार्टर नहीं है, वो प्रॉपर स्टार्टर नहीं है, बट वो एज अ सब बहुत फाड़ खेलता है, वो बहुत अच्छा खेलता है, तो वही है, बस यही है. तो वैसे इफ यू अगर मैं पिकअप करूं यहां से सुरेश भाई ने छोड़ा था, ब्रेफेट की बात करूं थोड़ा सा ब्रीफ में बोलूंगा कि ब्रेफेट ये है, ब्रेफेट जब आता है डेफिनेटली बार्सिलोना लेवल प्लेयर नहीं है वो, एक इमरजेंसी साइनिंग विंडो भी थी और ऑटो द विंडो हमने साइन किया था उसे,
तो थोड़ा ये है कि उस टाइप का कोई प्लेयर नहीं हमारे पास, वो बहुत डायरेक्ट है एंड ही इज गुड, पेस वर्क रेट भी ठीक है, तो हाँ मतलब एज अ स्पॉट प्लेयर ही इज गुड, लेकिन कोई ऑफर मिल जाता है ठीक ठाक तो आई थिंक वी शुड कैश इन ऑन ग्रेट फिट। ऑब्वियसली फिलिप कुटिन्हो पे कोई डाउट नहीं है, उसे हम शायद इस सीजन खिलाए बिना कंसिडरिंग कि अगर वो 7 मैच और खेलता है तो हमें 5 मिलियन लिवरपूल को और पे करने पड़ेंगे, तो एज फाइनेंशियल स्टेटस तो हमारा देख ही रहा कि 5 मिलियन के लिए खिल रहे प्लेयर को सीजन भर खिला नहीं रहे। तो बैकलाइन में आए तो आई थिंक उमटीटी और लॉन्गले दोनों को नहीं बेचना चाहूंगा मैं, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर मैं दोनों को बेच देता हूँ तो हमारे पास कोई भी लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं रहेगा, तो आई थिंक वी नीड अ वन लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक बैकलाइन थोड़ा बैलेंस के लिए। और सर्जी रॉबर्टो में थोड़ा सा डिफर करता हूँ सीरीज वैसे, क्योंकि रॉबर्टो ये है कि वो कई पोजीशन में खेल सकता है, ही कैन प्ले एज राइट बैक, मिडफील्ड में फुलफिल कर सकता है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी रॉबर्टो इंजर्ड है तो मिंगेजा को राइट बैक आना पड़ रहा है, तो इस मतलब ही इज डूइंग गुड एट राइट बैक ऑल्सो, लेकिन नेचुरल पोजीशन नहीं है उसका, जो अटैकिंग थ्रेट है वो नहीं है, और डेस्ट को हम इतना ज्यादा नहीं खिलाना चाहते कंसिडरिंग इज ओनली 19 और 20, तो ओवर रन नहीं करना चाहते डेस्ट को। तो सिद्धेश भाई ने काफी मतलब मेनली सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया, आई विल बी जस्ट रिपीटिंग, तो हम लोग वी कैन गो ऑन द प्लेयर्स वी शुड साइन आई थिंक। हाँ जस्ट ब्रीफली लाइक सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेटिंग जो आप दोनों ने कहा, तो मेनली आपने डिफेंस में जैसे कहा कि सिद्धेश भाई ने नेटो को कहा, थोड़ा सा मेरे को लगता है नेटो इज अ गुड बैकअप कीपर टू हैव, आपके आपके जो अकेडमी के कीपर्स हैं दे आर ऑब्वियसली अपकमिंग एंड इट इज समथिंग व्हिच यू वांट टू सी इन द टीम, बिकॉज आपका काफी टाइम से आई थिंक अकेडमी का कीपर एक नहीं आया है, ऑब्वियसली हमारे लेजेंडरी पिंटो भाई हैं, पिंटो तो मूवीज बना रहे हैं, सब अकेडमी से आपके कीपर नहीं आए काफी टाइम से, बट इन कमिंग टू द डिफेंस आई थिंक उत्कर्ष ने सही कहा कि लॉन्गले और उमटीटी में से दोनों बेचना वुड बी नॉट बी वायरेबल, बिकॉज आपको दो क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को रिप्लेस करके आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, एंड आई फील दैट दो यू हैव मिंगुएज़ा हुज़ अप एंड कमिंग इन अराउहो, यू डू नीड एन एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि पीके का भी आप धीरे धीरे देखें उसकी बॉडी धीरे धीरे इज गोइंग टू बिकम नॉट लाइक नॉट गोइंग टू बी कीपिंग अप, इंजरीज भी अभी इसको लॉन्ग टर्म इंजरी हुई थी, अभी ही रिसेंटली केम बैक, अच्छा खेला कोपर डेल रे में आपका वो गोल भी मारा, ही इज यू नो ही इज मेकिंग हिज शोइंग हिज एक्सपीरियंस, तो आई थिंक पीके जैसा प्लेयर भी आपको एक उस टाइप का थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर मे बी यूज इन हिज लेटर 20s वो भी चाहिए होगा, एंड इवन लाइक फॉरवर्ड में भी आपने सही कहा कि ब्रैडफोर्ड को उत्कर्ष ने कहा कि स्पॉट प्लेयर के साथ भी सही है, यू कांट हैव हिम एज योर मेन नंबर वन ऑब्वियसली, अब आप लुइस सुआरेस से ब्रैडफोर्ड को कंपेयर करोगे ड्रॉप ऑफ इज यू नो मैसिव, तो हाँ मैं आपके आउटगोइंग्स पे आऊंगा, सो ऑब्वियसली यू हैव बीन बीइंग लिंक्ड टू डच प्लेयर्स अलॉट, ऐसा लग रहा है बार्सिलोना आधी डच और आधी अर्जेंटीनी लेवल बन जाएगी, ओमेन रहागर क्योंकि अग्वेरो भी लिंक हो रहा है, वाइनाल्डम भी लिंक हो रहा है, डिपाई भी लिंक हो रहा है, so but we'll start as we did with the outgoing, so defense se start kare, to kuch left backs jaise hain aapne mention nahi kiye, jaise abhi Alaba ho raha hai, but Alaba most probably he prefer playing center back which is what he wants to do at Madrid, and also you have the likes of Grimaldo jo aapke ex player Benfica ke liye khelta hai, so I'll just start with the defense, who are the players you think that Barcelona could go for, first I'll go with Utkarsh then we'll come to Sandesh। मैं पिछले पॉइंट में एक पॉइंट थोड़ा सा और ऐड करना चाहता था, मैं भूल गया कि बार्सिलोना का जो वेज बजट है वो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट है, कंसीडरिंग नॉट ओनली फुटबॉल, किसी भी अगर आप स्पोर्ट में टीम बजट टीम का वेज बजट देखोगे तो इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो उसको नीचे लाने की बहुत जरूरत है, तो आउटगोइंग इसलिए बहुत नेसेसरी है, और ये है कि एवरेज एज हमारी लास्ट सीजन काफी ज्यादा थी, उस पर हमने सीजन काफी काम कर लिया, तो उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। इनकमिंग की बात करें डिफेंस में ऑब्वियसली एरिक गार्सिया इज कमिंग, तो हमारे लामा से एक लड़का ही नोज अबाउट बार्सिलोना, तो सेटल इन में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, लेकिन ये है एरिक गार्सिया के साथ कि थोड़ी सी फिजिकलिटी उसकी मुझे लगता है कमी है फिजिकलिटी की उसमें, कंसिडरिंग कि लोग उसे नेक्स्ट पीके आउट कर रहे हैं, मतलब देयर आर कंपैरिजंस ऑब्वियसली, थोड़े बहुत मैं देख रहा हूँ ऑन बार्सिलोना पेज बार्सिलोना फैंस सेइंग ही कैन बी नेक्स्ट पीके, तो उसको तो मतलब ऑब्वियसली इज वेरी यंग तो अभी वो ग्रो करेगा फिजिकली, लेकिन एट द मोमेंट थोड़ा सा कमजोर लगता है। अगर सेंटर बैक पे देखें तो सेंटर बैक मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हमें भी कोई प्लेयर साइन करना, आई थिंक अ लेफ्ट बैक वुड बी मोर नेसेसरी कंसीडरिंग Alba इज गेटिंग ओल्डर एवरी ईयर और थोड़ी इंजरी रिकॉर्ड भी उसका खराब है, तो सेंटर बैक इज नॉट वेरी नेसेसरी एट द मोमेंट। Alba अगर हम साइन कर पाते हैं ऑब्वियसली इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर अस कंसीडरिंग इज ऑन अ फ्री, तो लेकिन मुझे लगता है ही विल प्रेफर रियल मैड्रिड। सुरेश भाई आपका ख्याल क्या ख्याल है Alba की साइनिंग पे, कि वुड ही बी अ गुड साइनिंग फॉर अस? I don't necessarily know यार, he could be decent sometimes, but अपन वो बता नहीं सकते ना यार, मतलब कुछ चीजें अपन बता नहीं सकते, एक तो नंबर वन चीज जो उसकी उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉप बैक ड्रॉप है वो उसका यही है कि यार उसका वेज बिल कितना हाई हो जाएगा,
ये सोचो ना, हम लोग अभी अभी जॉन लापोर्टा का वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ये था कि हम लोग को वेज बिल को बहुत रिड्यूस करना है, बट वो कंटिन्यूअसली अपना हाई वेज बिल मांग रहा है. ही इज अ नाइस प्लेयर, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वही बात आ जाती है ना कि जैसा कि आपने बोला कि उसको सेंटर बैक में नहीं खेलना है, उसको सॉरी उसको लेफ्ट बैक में नहीं खेलना, उसको सेंटर बैक में खेलना है. बट सेंटर बैक हमारा पहले से ही बहुत ज्यादा फील्ड है, तो वहां पे और एक प्लेयर ला के हो सकता है कोई मतलब ना हो, सकता है कोई उससे मदद भी मिल जाए, क्योंकि वो डीएमएफ रोल में भी खेल सकता है ना, वो काफी वर्सेटाइल प्लेयर है और वो डीएमएफ रोल में वो फिजिकलिटी ले आएगा, बेसिक सी बात है. बट मैं जो है मैं होजे गाया को प्रिफर करूंगा, अगर हम लोग को लेफ्ट बैक प्रॉपर लेफ्ट बैक चाहिए तो मैं होजे गाया को प्रिफर करूंगा और बाल्डे को भी प्रमोट कर दूंगा. तो वो हो जाएगा कि बाल्डे एक अच्छा बैकअप बन जाएगा. बाल्डे अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 19-20 साल का है और ही हैज टाइम टू ग्रो, तो वही है. और इसी के ऑपोजिट पोजीशन पे अपन राइट बैक पोजीशन पे जाएं तो हमारा एमर्सन भी अभी बेटिस में खेल रहा है. यार एमर्सन की साइनिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी अचिन भाई ने बोला कि टेस्ट को अपन लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, हर गेम में स्टार्ट नहीं कर सकते टेस्ट को, ठीक है ना, तो हम लोग को एमर्सन को लाना पड़ेगा. एमर्सन ज्यादा फिजिकल भी है, वो डिफेंसिवली भी ज्यादा हेल्प कर देगा. टेस्ट अटैकिंगली बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं, वर्क रेट उसका बहुत ज्यादा अच्छा है, बट डिफेंसिव कभी कभी उससे प्रॉब्लम आ सकती है. हम लोग देखे हैं बहुत बार कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वही ज्यादा एक्सप्लॉइट होता आया है, तो एमर्सन आ जाएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन रहना चाहिए ना मेन मतलब. ये काफी काफी सही पॉइंट बोला कि अगर हम एमर्सन साइन कर लेते हैं तो मान लीजिए हम बैक फोर खेलना चाहते हैं तो एमर्सन ज्यादा अच्छा फिट होगा, या मान लीजिए बैक फाइव खेलना चाहते हैं तो हम टेस्ट टू खिला सकते हैं, तो एक ऑप्शन मिल जाएगा एमर्सन के आने से. काफी सही पॉइंट बोला, वो आना चाहिए. Yeah, I was just going to discuss ki haan, I think Siddhesh is right, because Emerson ka desh se compare karo, he does have that Liga experience, and it's a very popular saying that you can't win anything with boys, especially after defense. So you can't have a completely, you know, academy se aapka defense nahi, ya bilkul hi aap 20-22 saal ke players nahi khila sakte, because ultimately, as just maine ek baar abhi maine kaha bhi tha ki you need somebody like a PK, somebody like who is experienced, who can sort of stabilize the defense, and you know, थोड़ी एक concentration एक वो एक बताता है, game management जो होता है वो एक आपके experience players से आता है. But if you come to the midfield, मैंने जैसे mention किया था Wijnaldum link हो रहा है, you know, obviously Koeman Dutch national team में उसके साथ खेला है, and we were seeing that Wijnaldum काफी अच्छा खेल रहा था उनके अंदर in the national team. Obviously Frankie De Jong को इस season we have seen him playing sometimes at the center back position, जब 3 at the back खेलाते हुआ, कभी कभार वो box to box role भी खेल लेता है, and his traditional midfield role जो number 8 खेलता है. I think जो versatility है Frankie De Jong की, it's very really nice to see, because a player like that is very crucial to any team. एक थोड़ा utility player नहीं कह सकते, because उसकी quality for a utility player is quite great मेरे हिसाब से. But Frankie De Jong ऐसा player है आपको जो tactically flexible Koeman को काफी allow किया उसने बोला, तो I think that is a player that is good for you. But अगर बाकी सारे players का है, जैसे Busquets, Siddhesh भाई ने कहा कि वो थोड़ा age हो रहा है, but you won't sell him. Probably he's a player who would seek to retire at Barcelona, given his career, काफी stellar career रहा उसका Barcelona, but still he is aging. तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे आपने कहा कि Coutinho अगर बेचा, तो you do need somebody who's creative, क्योंकि Frankie De Jong को अगर आप इतना switch करोगे, because your tactics are not fixed, तो आपको एक player चाहिए होगा जो एक position अपनी position में रह के spraying the balls. So who you think? I think Ricky Pooch इतना fancy नहीं कर रहा, Koeman is playing in slowly. काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वो तब है जब हम लोग कोई प्रॉपर नंबर 10 पोजीशन पे अभी हम लोग किसी को रख नहीं रहे. प्रॉपर नंबर 10 हमारे लिए कोई नहीं खेल रहा है, मेसी ड्रॉप कर रहा है नंबर 9 पोजीशन से. बट जस्ट इमेजिन कि हमारे पास हालैंड जैसा कोई प्लेयर आ जाता है, या कोई भी एक अच्छा नंबर 9 प्लेयर आ जाता है, तो उस टाइम मेसी को नंबर 10 पोजीशन पे खेलना पड़ेगा ना. हम लोग 4-2-3-1 फॉर्मेशन में शिफ्ट हो जाएंगे फिर शायद से, तो फिर हम लोग को क्रिएटर की शायद उतनी ज्यादा नीड ना पड़े. हम लोग को उस टाइम पे बस एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है फिजिकल मिडफील्डर की. क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी बड़ी टीम को देखें, एक ना एक फिजिकल प्लेयर उन लोगों का मिडफील्ड में रहता ही है, क्योंकि वही काउंटर अटैक्स को संभालेगा, वही भागेगा इधर उधर पागलों जैसा, वही रोकेगा प्लेयर्स को. तो इसीलिए Wijnaldum का बात अभी चल रहा था, बट Wijnaldum अभी अभी बीच में रिपोर्ट आई थी कि जब से इलाश मुरीबा आया है तब से Wijnaldum के चांसेस थोड़े कम हो गए,
क्योंकि वाइनाल्डम इज ऑब्वियसली 30 और 30 प्लस आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट इलाश हाँ 31 और इलाश मुरीबा हैज जस्ट टर्न 18 तो उससे 13 साल छोटा है यार वो और फिजिकलिटी जितने यंग प्लेयर्स रहेंगे उतनी ज्यादा रहेगी ऑब्वियस सी बात है तो बस वही है जैसा कि विडाल लेकिन विडाल से काफी यंग है तो यस मुरीबा इज वेरी यंग लेकिन सीधे उसको टीम में ले आना थोड़ा मेरे ख्याल से रिस्की रहेगा और उसके करियर के लिए भी थोड़ा हार्मफुल हो सकता है इतने प्रेशर में खेलना। एक जो मेरे थोड़ा वाइल्ड कार्ड है ये कह सकते हैं क्योंकि बार्सा की उससे कोई लिंक नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लेयर था इज कॉनराड लाइमर लीप्ज़िग के लिए खेलता है अगर ही कम्स टू बार्सिलोना मेरे ख्याल से जो कुमन का सिस्टम है उसे ही वुड फिट इन सीमलेसली क्योंकि ही इज वेरी एनर्जेटिक वेरी हाई प्रेसिंग ही हैज गुड पेस ही इज गुड फिजिकलिटी उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी है तो अगर इफ यू आर एबल टू साइन कॉनराड लाइमर मतलब देयर इज नो चांस ऑफ साइन कॉनराड मुझे लगता है उसको लीप्ज़िग बेचेगी और हम लिंक भी नहीं हो रहे लेकिन लीप्ज़िग ऐसा क्लब है कि उनके पास अगर सही ऑफर आ जाता है तो दे सेल द बिग प्लेयर्स वर्नर को भेज देगा तो ऑब्वियसली अगर द राइट ऑफर कम्स इन बार्सिलोना के पास पैसे तो नहीं है लेकिन इफ यू समहाउ अरेंज टू हम प्लेयर बेच के या फिर कहीं से भी हम पैसे अरेंज कर लेते हैं तो आई थिंक कॉनराड लाइमर इज अ प्लेयर वी शुड लुक फॉर इन द मिडफील्ड। लिप्सिक में एक और प्लेयर है आई थिंक सेबिट्सर इज आल्सो प्लेयर वो आई सी ओमेन के अंदर फिट कर सकता है क्योंकि वो भी आप देखो नागेल्समैन भी एक ऐसा मैनेजर है जो काफी अपनी टैक्टिक्स स्विच अराउंड करता है ही डजंट स्टिक टू अ फॉर्मेशन कभी कभी वो ऑपोजिशन देख के चेंज करता है तो सेबिट्सर हम देख रहे हैं लाइप्ज़िग में काफी यू नो लाइक ही हैज गुड क्रिएटिव नंबर्स ही हैज गोल थ्रेट एज़ वेल सो ही कुड बी गुड एज़ वेल बट वही बात आ जाती है कि वाइनाल्डम मेन रीजन आप प्रेफर क्यों कर रहे हो इज दैट यू कैन गेट हिम ऑन अ फ्री सर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है सो बट आई डू थिंक दैट वाइनाल्डम मैंने उत्कर्ष से थोड़ा साइड करूंगा इस बात में क्योंकि आई फील वाइनाल्डम के आने से एक तो ऑब्वियसली ही हैज प्लेड अंडर कोमेन बिफोर तो कोमेन को पता है व्हाट ही विल गेट फ्रॉम हिम बट अपार्ट फ्रॉम दैट डियोंग का एक आई थिंक डियोंग को भी ही कैन यूज हिम इन हिज बेस्ट पोजिशन जैसे आयाक्स में देखा था जो क्रिएटिव प्रेजेंस डियोंग का और उभर के आएगा क्योंकि वाइनाल्डम को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी वेरी सिमिलर जैसे हम देखते हैं लिवरपूल में जैसे थियागो इतना इंपैक्ट नहीं कर पा रहा था बिना फिफ्टी के मिडफील्ड में ऐसे ही आई थिंक डियोंग पे भी सिमिलर इंपैक्ट पड़ेगा इफ समबडी लाइक वाइनाल्डम सो आई थिंक बोथ ऑफ यू गाइस टच्ड ऑन द मिडफील्ड प्राइमरली आपने कहा कि पेड्री आपके पास है तो यू डू हैव प्लेयर्स इन द मिडफील्ड आपको आई थिंक मोस्टली यू नीड वन साइनिंग मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी टीम में सीधे आके फिट इन कर ले बट नाउ इफ यू कम टू द अटैक ऑब्वियसली हालैंड तो एक ऐसा प्लेयर है जो लपोर्टा ने भी मेंशन किया आदोर ने भी मेंशन किया यू नो कि हालैंड आ जाए तो फिर क्या नहीं है क्या नहीं हो सकता इट्स लाइक ही इज अ प्लेयर दैट एवरी बिग क्लब इन द वर्ल्ड इज जस्ट आफ्टर चेल्सी हो गई मैनचेस्टर सिटी हो गई मैड्रिड भी हो गई बार्सा हो गई ऑल्सो ही हैज बीन लिंक्ड टू यूनाइटेड बट इट्स अनलाइकली तो आपको क्या लगता है कि फॉर योर अटैकिंग ऑप्शंस हु आर द प्लेयर्स यू कैन गो फॉर स्पेशली कंसिडरिंग कि आपका बजट टाइट रहेगा बट इफ लपोर्टा डज somehow manage to get some sort of credit line या कि उसको थोड़ा funds arrange कर लेता है तो आप हालैंड प्रेफर करोगे या उसका एक सीधे ड्राइव वाले जो मैड्रिड की विश लिस्ट में है एम्बाप्पे या कोई और भी ऐसा प्लेयर है जो आप दोनों के दिमाग में हाँ तो यार मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड विल बी द बेस्ट ऑप्शन वो इतना ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है उसकी पोजीशन पे जेडन सेंचो के साथ हमने उसका कनेक्शन देखा ही है तो हम लोग इमेजिन कर ही सकते हैं मेसी के साथ वो कितना अच्छा कनेक्शन बना पाएगा और बार्सिलोना को नंबर 9 चाहिए मतलब हर हालत में चाहिए पर मान लो किसी केस में हम लोग हालैंड को साइन नहीं कर पाते तो बहुत लोग बोलेंगे यार एग्वेरो को साइन कर लो बट मेरे हिसाब से एग्वेरो के अराउंड टीम बिल्ड नहीं कर सकते यार हम लोग 32 का हो गया अगर एग्वेरो को लाना ही था तो सुआरेस को बेचे क्यों ठीक है ना सीधी सी बात है तो दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है हमारे लिए वो है इसाक एलेक्जेंडर इसाक को बहुत यंग 20 साल का है वो भी उसका प्राइस भी कम रहेगा और वो अच्छा भी है मतलब हालैंड के लेवल का नहीं है ऑब्वियस सी बात है बट हम लोग उसको धीरे धीरे ट्रेन करके वहां पहुंचाएंगे ना यार अच्छे प्लेयर्स को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है अपने आप तो बन नहीं जाते तो हम लोग को बस एक मेन पोजिशन चाहिए और उसमें कोई यंग प्लेयर चाहिए क्योंकि और ऐसा प्लेयर चाहिए जो बार्सिलोना को लीड कर सके अच्छे टाइम तक क्योंकि हमारे पास लेफ्ट विंग में हमारे पास एंजू फाटी रहेगा ही राइट विंग में ट्रिनकाओ है डेम्बेले है और कभी कभी मेसी भी यहाँ पे खेल सकता है लेफ्ट विंग में हमारे पास कोनराड भी आ जाएगा तो ऑप्शंस काफी सारे हैं इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा प्लेयर साइन करने की जरूरत नहीं है एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए सो सही कहा आई थिंक सिद्धेश भाई ने यू नो एलेक्जेंडर आइसक बार्सा की हिस्ट्री रही है विद स्वीडिश स्ट्राइकर्स यू हैव हैड हेनरिक लार्सन एंड ज्लाटन इब्राहिमोविच थोड़ा कम टाइम के लिए था बट स्वीडिश स्ट्राइकर्स आपके क्लब में रहे हैं
So he is a player who could look come and sort of build his legacy at Barca. अगर यंग प्लेयर है तो 20 साल का प्लेयर है तो ही कैन स्टे एट बार्सा फॉर यू नो ओवर अ डेकेड. तो उत्कर्ष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अलेक्जेंडर आइसैक एंड एनी अदर अल्टरनेटिव्स जो आप देख रहे हो? ये मतलब ये अलेक्जेंडर आइसैक इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब कंपेयर टू सुरेश भाई, मतलब ही वाज नॉट इन माय माइंड, डेफिनेटली इसको हम परस्यू कर सकते हैं. और एक एक जो पॉइंट है ऐड करना चाहता था कि वही पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर पे, कि वी नीड अ पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर, तो तुमने जैसे एम्बापे और वो पूछा था, ऑब्वियसली आई थिंक एम्बापे वुड कॉस्ट मोर देन हालैंड प्रैक्टिकली, क्योंकि एम्बापे इज अ बिगर ब्रांड देन हालैंड, क्योंकि वो फ्रेंच है, इसलिए आई थिंक ही वुड कॉस्ट मोर. तो और एम्बापे इज अ मोर वर्सेटाइल प्लेयर, लेकिन हमें वर्सेटाइल प्लेयर नहीं चाहिए, हमें फॉक्स इन द बॉक्स चाहिए, हमें पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर चाहिए जो हमें बस गोल दागे, तो हमें सुआरेस टाइप का थोड़ा प्लेयर चाहिए. आई थिंक वो हालैंड इज अ बेटर गोल स्कोरर देन एम्बापे, आई थिंक नोबडी कैन आर्ग्यू दैट. तो एक लास्ट सीन जिस हम लिंक हो रहे थे वो तो लोटारो मार्टिनेज, पहली बात तो लोटारो मार्टिनेज हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन इंटर, और हमारे पास अब इतने पैसे भी नहीं लोटारो मार्टिनेज साइन करने, तो शिप हैज गॉन डेफिनेटली. उसके अलावा अगुएरो, ये कह सकते हैं कि सीजन हमें कोई नहीं मिल पाता है, मान लीजिए आइसैक नहीं बेच रहा सोसिएडाड और हालैंड को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे सीजन, तो अगुएरो कुड बी ऑप्शन फॉर अ सीजन और अ टू, कंसिडरिंग कि ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑप्शन है उनको अपग्रेड रहेगा डेफिनेटली. और एक सिद्धेश भाई से एक थोड़ा सा क्वेश्चन और था मेरा कि अगर मान लीजिए हम हालैंड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और आइजैक नहीं आना चाहता है, तो डिपाय, क्योंकि डिपाय और अगुएरो से काफी लिंक हो रहे हैं, दे आर इन द मीडिया, काफी बात चल रही है, तो डिपाय अगुएरो में से सिद्धेश भाई आप किसको प्रेफर करोगे एंड कोई रीजन उसके पीछे? अगुएरो भाई, अगुएरो, क्योंकि डिपाय का जो प्लेइंग स्टाइल है ना वो थोड़ा थोड़ा ग्रीजमैन जैसा है, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट वो भी है, वो थोड़ा डीप ड्रॉप करता है, वही हमको पता है वही प्रॉब्लम होगी जो मेसी कुटिन्यो ग्रीजमैन के साथ हुई थी, एक टीम में तीन तीन प्लेयर लागत होगी तो वही प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आई प्रिफर अगुएरो. अगुएरो का फिटनेस प्रॉब्लम है कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू गोल स्कोरिंग ही इज वन ऑफ द बेस्ट. ये मतलब सिद्धेश भाई हैज हिट द नेल हार्ड ऑन, मेरे हिसाब से भी आई विल टेक अगुएरो एनी डे ओवर डिपाय, क्योंकि डिपाय के साथ जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा था सिद्धेश भाई ने ऑलरेडी कह दिया कि वो हमें ग्रीज़मैन टाइप का स्ट्राइकर, ही इज ऑलवेज प्लेड इन अ टू, लियोन में भी देखो तो कभी अकेले सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेलता, वो मूसा डेम्बेले था और इस समय मेरे ख्याल से स्लिमानी लीड लाइन का, तो ही ऑलवेज प्लेड इन अ टू या फिर वो वाइड खेलता है, ही नेवर लीड द लाइन, तो ग्रीज़मैन वाली दिक्कत डेफिनेटली होगी. और इंजरी रिकॉर्ड की बात करें तो डिपाय का भी इंजरी रिकॉर्ड बहुत खास नहीं रहा है, ये अनलकी मतलब काफी अनलकी रहा हुई इंजरीज में, लियोन से बैक टू बैक दो ACL हो गई थी, तो ऑब्वियसली ACL से प्लेयर के स्पीड को बहुत फर्क आ जाता है, जैसे हेक्टर वेलेन प्राइम एग्जांपल, उसकी स्पीड आप देख सकते हैं कितनी कम होगी पहले से, तो डिपाय का भी बहुत इंजरी रिकॉर्ड नहीं रहा, आई थिंक अगुएरो वुड बी द बेटर ऑप्शन. जस्ट अगुएरो के अगर बात करें, सिद्धेश भाई आल्सो सेड कि यू नो इफ यू अल्टीमेटली डू डिसाइड ऑन साइनिंग अगुएरो, दोनों आपके फ्री में आएंगे, व्हेन कंपैरेटिवली अगुएरो की डिपाय से वेज डिमांड्स ज्यादा होंगी, बट सिद्धेश भाई ने ये बात भी सही की कि इफ यू ऑलरेडी हैड सुआरेस तो अगुएरो साइन करने का सेंस नहीं बना, बिकॉज द रिलेटिवली द सेम एज सुआरेस, एक दो साल पड़ा है, एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द ला लीगा एंड being somebody who just fit in Barcelona so well, and to regardless of the managers who goal maar raha tha, that was somebody like Suarez. Those ke injuries usko bhi as like obviously with your when you get older aapki injuries thodi hoti hai, but Suarez comparatively as if you compare to Aguero thoda zyada fit hai mere hisab se, because yeah, Suarez is much better than injuries as compared to Aguero, because Suarez ko record ho, I think he's up in the top 5 players or 10 players in number of days per injury ke hisab se jitne miss karte hain days, उसमें देखो तो सुआरेस इन द टॉप 10, तो मतलब इंजरीज से उसने सबसे कम डेज मिस किए हैं इन हिज प्लेइंग करियर, तो डेफिनेटली सुआरेस इंजरी रिकॉर्ड इज फ्लॉलेस इन माय ओपिनियन. वी डिस्कस लाइक द डिफेंस मिडफील्ड एज वेल एज अटैक, सो बिफोर वी एंड सिद्धेश भाई या उत्कर्ष भाई, आप कोई और ऐसा प्लेयर जो आप प्रॉड करना चाहते हो या कोई और ऐसा ट्रांसफर्स के बारे में व्हिच यू वांट टू मेंशन विद रिगार्ड्स टू योर प्रेसिडेंट और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर टीम बिफोर वी रैप अप? नहीं यार सारी चीजें बोली थी। हम उसलिए हमने सिद्धेश भाई ने मेरा पॉइंट बोली था कि सब हमने कवर कर ही लिया जितना थॉट्स थे वी ऑलरेडी फ्यूज्ड में, सो वी कैन रैप अप अगेन। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। वी आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। वी आर थिंकिंग ऑफ टर्निंग इट इनटू अ सीरीज, सो प्लीज लेट योर लीव योर फीडबैक डाउन बिलो। सिद्धेश भाई, भी अपना शेयर करेंगे वीडियो, तो उनके चैनल से भी जो लोग आते हैं कि हम और क्लब्स रिकवर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्लब्सिटी का वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत क्लब्स हैं जिनके प्लेयर्स, जिनको बहुत सारी पोजीशन में प्लेयर्स चाहिए, चाहे यूनाइटेड हो गई, चाहे आर्सेनल हो गई, चाहे मैड्रिड हो गई, चाहे यूवेंटस हो गई, सारे सारे लीग में सब क्लब्स को चाहिए कोई ना कोई, तो आप लोग का क्या कहना है
आप प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा दूसरा क्लब करना चाहिए. एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना, बार्सिलोना के बहुत फैंस हैं, फुल एक्टिव ऑन यूट्यूब ऑफ ऑल एजेस. तो आप लोग भी अपने कोई ऐसा प्लेयर हमने मिस करा हो जो आपने नोटिस किया हो और हमारे को आप सजेस्ट करना चाहते हो तो आप उनको भी कॉमेंट में मैंशन कर सकते हो. बाकी प्लीज सब्सक्राइब टू सितेश भाई चैनल, ही इज डूइंग वेरी वेल ऑन ही इज डूइंग वेरी वेल एंड वी डू हैव सम पीपल हु हैव हु आर बार्सिलोना फैंस इन आवर सब्सक्राइबर्स. So, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें सिद्धेश के चैनल को. थैंक यू वंस अगेन सिद्धेश भाई फॉर कमिंग ऑन. अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हो और जितने भी हमारे फॉलोअर है सबसे एक ही गुजारिश है यार, इनका चैनल को कर दो यार, क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कर दो, कोई नुकसान नहीं है, मजा करेंगे सब साथ मिलकर. थैंक यू सिद्धेश भाई फॉर सरप्राइज वर्ड एंड बट दैट्स प्रीटी मच इट गाइस. आपको मैंने बता दिया कमेंट सेक्शन में क्या मेंशन कर सकते हैं. Those who haven't subscribed, please subscribe to our channel. It will do us a world of favor. Please share kare is video ko to all your Barcelona fans or fans of football in general. Because this is a very, आप कह सकते हो उसमें हमने बहुत players discuss करे. Barcelona के players ऐसे जो जा रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते, ये भी comment कर सकते हो कि कौन से player आप चाहते हो Barcelona से खरीदना. कम होंगे पर आप please mention कर देना. But apart from that, that's pretty much it. Thank you everybody for watching. Bye bye.